दोस्तों आज की वीडियो में आपको लाइव शो करूंगा कैसे आप CCC का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या कोई और कोर्स आपने किया है नीलेट से उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये CCC का सर्टिफिकेट है जो मैंने डाउनलोड किया है। इस पर एक येल्लो कलर का क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसका मतलब है इसकी जो सिग्नेचर है ये वेरीफाई नहीं है, और जब तक ये वेरीफाई नहीं हो सकता तब तक आप इसका प्रिंटआउट नहीं ले सकते हैं, ना ही इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी वैलिडिटी नहीं होती है। इसको वैलिड करने के लिए, इसका जो साइन है इसको वेरीफाई करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। या तो हम Adobe Acrobat रीडर डाउनलोड कर सकते हैं या फोक्सिट का PDF रीडर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल में भी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर आप डेस्कटॉप से करेंगे तो उसमें भी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आइए इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं, बिल्कुल लाइव वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें गूगल में CCC टाइप करके सर्च कर लेना है। जो हमारी वेबसाइट आती है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम नीलेट की, इस पर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारा नीलेट का होम पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें क्रॉस का जो निशान बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड सर्टिफिकेट, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास Adobe रीडर होना चाहिए सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए, साथ में आपके पास इंटरनल एक्सप्लोरर होना चाहिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, आपके पास कोई भी वेब ब्राउजर हो तब भी आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। साथ में यहाँ पर स्टेप बताया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप स्टेप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सेलेक्ट टाइप ऑफ सर्टिफिकेट। इसके अंदर दो तरह के दिए हुए, रेगुलर CCC BCC NDLM OABC लेवल और मॉड्यूलर में ओनली ABC लेवल है। तो आपको यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। रेगुलर सेलेक्ट करने के बाद हमें कोर्स सेलेक्ट करने हैं। जैसे ही आप कोर्स में क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप जो भी कोर्स का डाउनलोड करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर CCC का डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर CCC सेलेक्ट कर लूँगा। यदि आप CCC+ सेलेक्ट करते हैं तो आपने जब डायरेक्ट किया है इंस्टीट्यूट से CCC, तब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ईयर। ईयर में आपको सेलेक्ट करना है जिस भी ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया है। यदि आपने 2022 में दिया है तो आप 2022 सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप जिस भी ईयर में दिया है वो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मंथ। जिस भी मंथ में आपने एग्ज़ाम दिया है वो मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने मार्च में दिया है तो मैं मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारा रोल नंबर आता है। यहाँ पर हमें रोल नंबर एंटर करना है, और आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन नंबर एंटर नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर ही आपको राइट करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ राइट करनी है। डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में राइट करनी है, डेट मंथ ईयर में, और बीच में इसमें स्लैश राइट करना है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। नीचे हमारा कैप्चा कोड दिया हुआ है ग्रीन कलर में, सेम का सेम कैप्चा कोड हमें यहाँ पर राइट कर देना है। अभी हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पर जैसे क्लिक करते हैं नीचे में हमारे कुछ ऑप्शन एक्टिव हो जाते हैं। स्क्रॉल नीचे करते हैं तो यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, दो तरीके से हम वेरिफिकेशन कोड मंगा सकते हैं। या तो हमारी ईमेल आईडी पर आएगा या फिर हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमारा कैप्चा कोड दिया हुआ है ग्रीन कलर में, कैप्चा कोड हमें सेम का सेम नीचे फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद हमें 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर राइट कर देना है, और हमारे राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है सेंड SMS, इस पर हम क्लिक कर देंगे। एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है जिसमें बताया गया है कि OTP हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, तो ओके कर देंगे इसको। वेरिफिकेशन कोड OTP को हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे हमें सबमिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल देखने को मिलती है, हमारा रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रीजन सेंटर कहाँ पे था, और ग्रेड। साथ में हमें डाउनलोड सर्टिफिकेट का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, हमारा सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, फोटो, नेम, मदर नेम, फादर नेम, साथ में यहाँ पर हमारा रोल नंबर, और एग्जाम हमने कब दिया था, मार्च में दिया था, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में हमें यहाँ पर हमारी ग्रेड भी देखने को मिलती है, जो ग्रेड है हमारी बी ग्रेड है। और जो सर्टिफिकेट है इसको हम प्रिंट आउट नहीं ले सकते, ये अभी वैलिड नहीं है क्योंकि यहाँ पर येलो कलर का क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो अभी हम इसको सेव कर लेंगे PDF में। PDF में सेव करने के लिए ऊपर प्रिंट का ऑप्शन मिलता है हमें राइट साइड में, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। दोस्तों अभी यहाँ से हम प्रिंट भी दे सकते हैं, लेकिन प्रिंट देने का भी कोई फायदा नहीं है, पहले हम इसको PDF में सेव कर लेंगे। नीचे सेव का हमें ऑप्शन मिलता है, और जहाँ पर भी आपको इसको सेव करना अपने कंप्यूटर या मोबाइल में, वहाँ पर आप इसको सेव कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने CCC सर्टिफिकेट की 2 कॉपी PDF में डाउनलोड करके रखी है। साथ में मैंने डाउनलोड करके रखा है फोक्सिट PDF रीडर और साथ में Adobe Acrobat रीडर। आप इनमें से कोई एक डाउनलोड कर सकते हैं, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम एक कॉपी को ओपन कर लेते हैं। तो जब हम ओपन करेंगे तो ये ओपन करेंगे हम फोक्सिट के साथ। दोस्तों यहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट है ये, और नीचे में यहाँ पर आपको एक येल्लो कलर का क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो इसके साइन को वेरीफाई करने के लिए इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे तो वैलिड सिग्नेचर का एक हमें ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। और दोस्तों क्लिक करने के कुछ ही सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक वैलिडेट हो जाता है, इसमें हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती है।
यदि आपका ये वैलिडेट नहीं होता, यहाँ पर ग्रीन टिक का निशान नहीं आता है, तो जो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज है आप इसमें चले जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सो सर्टिफिकेट, इसको आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी नाम आता है, चेतना सिंह जैसे राठौर यहाँ पर नेम आया हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है यूज़ द सर्टिफिकेट एज ए ट्रस्टेड रूट और वैलिडेटिंग सिग्नेचर, वैलिडेटिंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, ये तीनों पर टिक होना चाहिए। यदि ये तीनों पर टिक है तो आपका ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तीनों पर टिक नहीं है तो आप इन तीनों पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। ऑलरेडी मेरा ट्रस्टेड सर्टिफिकेट में है तो मुझे यहाँ पर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर ये आपका वैलिड हो गया है। वैलिडेट होने के बाद यदि आप इसका प्रिंटआउट लेना चाहते हैं तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट को आप शेयर कर सकते हैं प्रिंटआउट के लिए, क्योंकि यदि किसी दूसरे कंप्यूटर में आप इसको भेजते हैं तो वहां पर भी आपको ये वैलिडेट करना पड़ेगा। इसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, जो हमारा इसकी दूसरी कॉपी है सर्टिफिकेट की, हम इसको ओपन करते हैं Adobe Acrobat Reader के साथ। तो दोस्तों जैसे मैं ओपन करता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर ये वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई इसलिए हो चुका है क्योंकि जब मैंने ये डाउनलोड किया था Adobe Acrobat Reader तो एक क्रोम में एक्सटेंशन मांगता है, वो मैंने ओके कर दिया था, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिक इसको वेरीफाई कर देता है। यदि इसको वेरीफाई नहीं करता है तो यहाँ पर एक येलो कलर का क्वेश्चन मार्क आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है उसका मैं प्रोसीजर आपको बताता हूँ। उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको वैलिडेट सिग्नेचर, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमें एक पॉपअप विंडो देखने को मिलती है, यहाँ पर है सिग्नेचर प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, यहाँ पर सो सिग्नेचर सर्टिफिकेट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक नाम दिखाई देता है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर समरी, डिटेल, रिवोकेशन और ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो ये ट्रस्ट के ऊपर क्लिक होने के बाद ये जो सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, साइन डॉक्यूमेंट और डाटा, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, एग्जीक्यूट डायनेमिक कंटेंट, एग्जीक्यूट हाई प्रिविलेज और परफॉर्म प्रिविलेज सिस्टम, ये सभी ग्रीन टिक में होने चाहिए। यदि ये ग्रीन टिक में है तो आपका ये तुरंत वैलिडेट हो जाएगा। यदि ग्रीन टिक में नहीं है तो ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट में इसको ओके करना होगा। ये ऑलरेडी मेरा है तो यहाँ पर इसलिए ये ऐड टू ट्रेड सर्टिफिकेट यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, इसको फिर हम ओके कर देंगे। ओके होने के बाद यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप दोबारा से जब राइट क्लिक करेंगे तो जो वैलिड सिग्नेचर पर करेंगे तो ऑटोमेटिक वैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना CCC का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको वैलिडेट कर सकते हैं, चाहे तो आप Adobe Acrobat Reader के थ्रू कर सकते हैं या फिर Foxit PDF Reader के थ्रू कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं और प्रिंटआउट लेने के बाद आप इसको लैमिनेशन करा के अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूं। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।